अपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। अपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे। देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि आज बड़ा निर्णय लिया गया है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। पहले आप राहुल गांधी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो आपने देखा राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और आज बड़ा निर्णय लिया गया है। सारे विपक्षी नेता, सभी विपक्षी दल एक साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या पूरी महागठबंधन बीजेपी को हरा पाती है या नहीं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे। देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे।